पॉकेट मनी ऑलमोस्ट खत्म होने आ रही है और मैं क्या गिफ्ट दूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। टिंकू, गिफ्ट में प्राइस नहीं, फीलिंग्स देखी जाती है। तो तू कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो सामने वाले के काम आए और उसे पसंद भी। हाँ। मैं भी यही करने वाला हूँ। मैं भी। क्या गिफ्ट दूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माधवी, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नाम आया ना मुझे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि exactly कैसा क्या गिफ्ट दूँ। किसका नाम आया? नहीं मतलब अगर तुम मुझे बता दो तो मैं भी तुम्हें बता सकता हूँ। कहाँ जा रही हो? टप्पू सेना को बुलाने। क्यों? वो वापस आपसे प्रण लेगी। काई गरज नहीं है, प्रण ले चुका हूँ मैं, मुझे याद है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। टप्पू सेना ने ना एक गिफ्ट के लिए एक बजट फिक्स करना चाहिए था। क्यों? नहीं मतलब देखो ना, अगर मैंने किसी को 500 रुपए की गिफ्ट दी और किसी ने मुझे 50 रुपए की गिफ्ट दी तो मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा ना। वो लेकिन 5,000 का फाइन भी तो रखा है टप्पू सेना ने। सोच समझ के गिफ्ट देंगे सब लोग। वो तो है। वैसे माधवी, एक जस्ट थॉट है, मतलब अगर मेरा नाम आया हो तो जरा सोच समझ के गिफ्ट देना। मतलब तुम जानती हो ना मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ। बरोबर है। Just take thought. मैं बरोबर समझ रही हूँ कि आप यहाँ वहाँ से नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। नहीं मतलब नहीं ही बताऊंगी, कर लो। से माधवी, क्या बात है? मतलब ऐसे तुम ऐसे जब बातें करती हो तो कितनी क्यूट लगती हो, कितनी प्यारी लगती हो। ओहो, टेंशन का मूड एकदम रोमांटिक मूड हो गया। अरे तुम्हारी बातों का तो जादू है ये। है? हाँ। कितनी गुड। नहीं बताऊंगी लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगी। अरे अब माधवी, क्या गिफ्ट दूं? गिफ्ट फाइनल हो गए। क्या? तूने मेरा डिसाइड कर लिया कि क्या गिफ्ट देनी है? बड़ी तेज है यार। वो तो हूँ, पर तूने डिसाइड किया कि नहीं कि तू क्या देने वाला है? अरे वही तो नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। मेरी बोली पार्सन, और तू तो मेरी हिरनी है, मेरी मोरनी है, मेरी चोरनी है। तेरी चॉइस तो एकदम टॉप क्लास है। तो छे। तू ही मेरी हेल्प कर दे। हम प्रण लेते हैं कि हम ईमानदारी से रूल्स फॉलो करेंगे और गिफ्ट के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। याद आ गया। अच्छा बाय द वे रोशन, तेरे को गराज जाने में देरी नहीं हो रही? ओ हाँ, चल छोटी, वो गराज चलते हैं। वो गराज जाके सोचते क्या गिफ्ट देनी है। पता नहीं रोशन को चिट में किसका नाम आया है कि गिफ्ट को लेके इतना परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है, मेरी चिट में जिसका नाम निकला है उसे क्या गिफ्ट दूँ? Exactly हंस, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या गिफ्ट दूँ। मेरी चिट में जिसका नाम निकला है उसे तुम क्यों गिफ्ट दोगी? अरे हंस, मैं अपने चिट की बात कर रही थी। ओ अच्छा अच्छा, वैसे सोचो। सोच लिया है कि क्या गिफ्ट देना है। अच्छा क्या दे रहे हो? कोमल, नो डिस्कशन, प्रॉमिस याद करो। याद है सॉरी। तुम भी सोचो कि गिफ्ट में क्या देना है। हाँ। पक्का आप गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ अंजलि, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट। सोचिए, पूरा दिन है आपके पास, आराम से सोचिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने सोच लिया कि तुम क्या गिफ्ट देने वाली हो। Well, आप ऐसा कह सकते हो। तो तुमने सच में सोच लिया कि तुम क्या गिफ्ट देने वाली हो? शायद। वाह, अंजलि, गिफ्ट सोचने में मेरी मदद करो ना प्लीज। तारक, इसे मदद नहीं, इसे चीटिंग कहते हैं। यस,
अय्यर, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या गिफ्ट देना है। अच्छा? Yes. क्या गिफ्ट देना है? सॉरी, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकती। बबीता प्लीज मेरा भी मदद करो ना, चाहिए ना तो मैं तुमको बता देगा कि मेरे को चिट्ठी में कितना नाम आया। नहीं नहीं अय्यर, दैट्स नॉट अलाउड। गिफ्ट के बारे में तुम्हें खुद को ही सोचना पड़ेगा। नो मोर डिस्कशन प्लीज। ओके। जीठा जी, हाय जीठा जी, बोलिए। अरे क्या बोलूं बबीता जी, ये टप्पू सेना की वजह से तो बोलती ही बंद हो गई है। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरी चिट्ठी में जो नाम जीठा जी, प्लीज 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 स्टॉप, मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज इसके आगे आप मत बोलिए। क्यों? क्यों क्या जीठा जी, आप भूल गए? हम लोग ने क्लब हाउस में टप्पू सेना के सामने प्लान लिया था कि हम गिफ्ट के बारे में किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो याद है मुझे, याद है। मैंने तो ये जानने के लिए फोन किया कि आपको चिट्ठी मिल गई। जी हाँ, मुझे चिट्ठी मिल गई और मैंने ये भी सोच लिया कि मुझे क्या गिफ्ट देना है। ओहो, लगता है आपकी चिट्ठी में जिसका भी नाम आया है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यस। बाकी मेरी चिट्ठी में जो नाम आया है वो तो इतना कठिन नाम है कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या गिफ्ट दूं। मेरी कुछ मदद कीजिए ना बबीता जी, प्लीज। वेल जीठा जी, आई विश आई कुड, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। सॉरी। ओके बाय। ओके बाय बाय। ये टप्पू सेना भी ना सबसे प्राण लेकर सबको बांध दिया एकदम। गेम है, गेम में क्या प्राण बन लेने का। अभी क्या गिफ्ट दूं, किसको पूछूं, पूछने पर भी कोई बताएगा नहीं। चलो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। ओहो, इतने सारे रिटर्न गिफ्ट जमा हो गए हैं। ये कब काम आएंगे? टिफिन? नहीं नहीं नहीं, टिफिन तो शादी के बाद सबसे ज्यादा काम आएगा। तेरी भाभी गर्मा गर्म खाना बना के मुझे देगी तो मुझ तक पहुंचाएगा ना। नहीं नहीं भाई, तू यही रुक। और क्या दूं? ये कॉफी कप्स? नहीं, इसमें तो रोज सुबह मैं गर्मा गर्म चाय बना के तेरी भाभी को पिलाऊंगा। तू भी यही रुक। गिफ्टों के बारे में इतना सोच रहा हूँ लेकिन पता नहीं सामने वाला मुझे क्या गिफ्ट दे। अगर देना ही है तो सामने वाला दिल से सुकन्या ढूंढ के दे जिसके साथ मैं अपना घर बसा सकूं। और भगवान, सुकन्या ना मिले ना तो उसे सद्बुद्धि देना कि थोड़ा कैश दे दे जो शादी में काम आ जाएगा। फिर मुझे कोई ऐसा वैसा गिफ्ट मिला ना तो मैं तो सीधा रिजेक्ट कर दूं, भले फिर 5,000 का फाइन भरना पड़े। एक मिनट, मेरी ये सेकंड हैंड गिफ्ट सामने वाले को पसंद नहीं आई तो मुझे 5,000 का फटका पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई, नई गिफ्ट का पैसा बचाया और इधर 5,000 फाइन में भरा। तो जबरदस्त गिफ्ट ही देना पड़ेगा। अरे भेजूंगी नेक्स्ट टाइम आपको। हेलो सुनीता। सुनीता ने गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो सुनीता। अरे वाह सुनीता, हेडफोन एंड ऑल, वेरी कूल। थैंक यू जो मुझे सरप्राइज मिला है। मेरे मित्र ने ना उसने मुझे गिफ्ट किया। लकी, मन पसंद सरप्राइज गिफ्ट मिलती है तो कितनी खुशी होती है ना। बिना मांगे बिना जाने अपनी पसंद के गिफ्ट मिले तो कितना अच्छा लगता है। काश हमें रोज ऐसी सरप्राइज गिफ्ट मिले। नहीं अरे माधवी भाभी, लाइफ हमें रोज ही तो सरप्राइज गिफ्ट देती है। हाँ। वो तो बस गिफ्ट सरप्राइजिंग हो, शॉकिंग नहीं। अरे सरप्राइज गिफ्ट से याद आया, सीक्रेट गिफ्ट रेडी किया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ मेरा गिफ्ट रेडी है। हाँ मेरा भी। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि सीक्रेट गिफ्ट में क्या दूं। ये सीक्रेट गिफ्ट क्या होता है? तुझे कैसे तेरे सहेली ने अभी सरप्राइज गिफ्ट किया? वैसे आज पार्टी में हम लोग एक दूसरे को सीक्रेट गिफ्ट देने वाले हैं। हाँ
हाँ, लेकिन गिफ्ट लेने वाले के लिए गिफ्ट देने वाले का नाम और गिफ्ट दोनों सीक्रेट है। ए मंजिले भारी है। जब सामने वाले को गिफ्ट देने वाले का नाम ही नहीं पता चलेगा तो टेंशन कैसा। आप एक काम करो, मेरे से सब्जी ले लो और सामने वाले को गिफ्ट कर दो। वैसे मुझे तो कोई टेंशन नहीं है गिफ्ट को लेकर, क्योंकि मेरी सीक्रेट गिफ्ट तो रेडी छे। माधवी भाभी, आपकी सीक्रेट गिफ्ट रेडी हुई कि नहीं? नहीं, वैसे मैंने सोचा तो है लेकिन फाइनल नहीं किया है अभी तक। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आज के पार्टी के लिए रेडी? यस, पार्टी जो शाम को है ना, तो अभी से रेडी होके क्या करेंगे? मम्मी, मेरा मतलब है आप लोगों के सीक्रेट गिफ्ट रेडी है कि नहीं? अरे ऑफ कोर्स दिख रहा है। हाँ बच्चों, इन तीनों का फाइनल है, सिर्फ हम दोनों का फाइनल नहीं हुआ अभी तक। क्या आप लोगों ने गिफ्ट अभी तक फाइनल नहीं की? नहीं ना, आज शाम को पार्टी है और पार्टी से पहले गिफ्ट रेडी रखनी है। क्या आई नो, क्योंकि आज शाम को दो स्पेशल लोग आपसे गिफ्ट कलेक्ट करने आएंगे। भूल गए आप लोग? अरे नहीं नहीं, पर ये तो बोलो वो स्पेशल टीम है कौन? हाँ सोनू सांगना, कौन आने वाले हैं बताना। असगर नहीं आई, सरप्राइज है। सरप्राइज? आज तो सरप्राइजेस की भरमार है, क्योंकि पार्टी है भाई, पार्टी है, गोकुल धाम में पार्टी है, पार्टी है भाई, पार्टी है, गोकुल धाम में पार्टी है। क्या अलग ही इंतजाम। हाँ पता नहीं सीक्रेट गिफ्ट लेने कौन आने वाला है। ये सेंटा क्लॉज रिक्शा में कब से घूमने लगे? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। अब्दुल मियां, पहचानिए कौन? बाबा भाई, आपकी अनोखी चाल देखकर मैं आपको पहचान गया। और आप नटू काका? यस। आप लोग सांता क्लॉज बनके गोकुलधाम सोसाइटी में गिफ्ट देने के लिए आए हो ना? गिफ्ट लेने आए हैं। कौन सी गिफ्ट? सीक्रेट गिफ्ट, जो आप लोग एक दूसरे को देने वाले हो वो। अच्छा अच्छा, तो टप्पू सेना ने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है गिफ्ट की है? यस। चलिए चलिए अब्दुल मियां, आपकी सीक्रेट गिफ्ट फटाफट इसमें डाल दीजिए। हाँ एक मिनट। थैंक यू अब्दुल मियां, थैंक यू। और ये आपका गिफ्ट। थैंक यू थैंक यू। चलिए नटू काका, शुरुआत भिड़े भाई के घर से करते हैं। सोनू सोनू, ए सोनू। हाँ बाबा। अरे वो गिफ्ट लेने के लिए कोई स्पेशल आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। आ जाएंगे बाबा, पेशेंस। अरे कब आएंगे सोनू, पार्टी में जाने के लिए तैयार भी होना है। एक मिनट, तो ऐसा तो नहीं कि टपोसना से कोई गड़बड़ी और तुम छुपा रही हो? क्या छुपा रही है सोनू? नहीं मैं पूछ रहा था, वो स्पेशल लोग आने वाले थे गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए, अभी तक आए नहीं है, तो टपोसना से कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? सोनू तूने बताया नहीं बाबा को? टप्पू सेना से बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, इसलिए आज की पार्टी कैंसल। नटू काका, अरे भाई ये कब हुआ? भाई नटू काका, हमने कहा था ना कोई स्पेशल आने वाला है गिफ्ट कलेक्ट करने, यही है वो। भैया कितनी चाय? वाह वाह, या 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 या। क्या या माधवी भाभी, पार्टी तो कैंसल जाली ना? नहीं नहीं, कोई पार्टी कैंसल नहीं हुई है, मैं तो इनके साथ मजाक कर रही थी। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, भीड़े भाई के घर आए सीक्रेट गिफ्ट लेने। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। क्या बात है यार, अलग ही अंदाज है दोनों का। थैंक यू। अच्छा आप तीनों अपने अपने सीक्रेट गिफ्ट इसमें डाल दीजिए। थैंक यू भिड़े भाई।
आप लोगों ने अपनी अपनी सीक्रेट गिफ्ट के बारे में किसी से कुछ डिस्कस तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं बागा, एक शिक्षक हूँ मैं, ना चीटिंग करता हूँ ना करने देता हूँ। वेट भिड़े भाई, कल नाम किसने पूछा था? भिड़े भाई, अरे नहीं नहीं पूछा था, मतलब मैं तो परीक्षा ले रहा था, शिक्षक हूँ ना, देख रहा था बताती है कि नहीं बताती। ओहो क्या बात है, कैसे संभाल ले वो। वाह भिड़े भाई, आपसे बहुत कुछ सीखना है। वैसे पहली बार देख रहा हूँ सेंटा क्लॉज नहीं सेंटा क्लॉजेस आए है और गिफ्ट देने नहीं गिफ्ट लेने आए है। भिड़े भाई हम गिफ्ट लेने नहीं देने भी आए है। अच्छा? ये लीजिए माधवी भाभी, ये आपके लिए, और सोनू बेटा ये आपके लिए। थैंक यू नट्टू काका। ये नट्टू काका का है सांता क्लॉज वर्ल्ड। थैंक यू सांता क्लॉज काका, मोस्ट वेलकम। सांता क्लॉज का काका बनोला। अच्छा नट्टू काका बागा, गिफ्ट्स दिए वो संभाल के लेके जाना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। फाइन है मतलब ओके। हाँ चलिए नट्टू काका। जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे, भिड़े जी का हो गया सो डीजी ऑन द वे। जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे, सोडी भाई के घर आए सीक्रेट गिफ्ट लेने। जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे। जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले होए, सेंटा जी आए पहन के जोड़ा लाल और लेके आए गिफ्टों का थैला लाल। जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले जिंगल बल्ले होए। अरे रोशन डाले, ये नट्टू का कौन बागा भाई छे? सेंटा क्लॉज ना कॉस्ट्यूम मा पुत्री, मैं तो पहचाने ही नहीं। ये आपके लिए रोशन भाभी, ये आपके लिए अटली मुट्टी टॉफी और गोगी। थैंक यू, स्वीट। आप दोनों रुको, हम अपनी अपनी गिफ्ट लेकर आते हैं। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू गोगी। अच्छा सोडी भाई रोशन भाभी, हम लोग चलते हैं। चलिए नट्टू काका। जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे, अब किसके घर जाए हम सीक्रेट गिफ्ट लेने। ये लो भी कोमल, जितना मजा समोसा खा के आए ना, आई एम श्योर उससे तीन गुना ज्यादा मजा पार्टी में आने वाला है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा हमें क्या गिफ्ट्स मिले हैं। हाँ लेकिन ममा, हाँ। आज हमारी गिफ्ट की टेस्ट है। पता नहीं वो टेस्ट में हम लोग पास होंगे या फेल, पर उसके लिए हमारे यहाँ से कोई गिफ्ट लेकर तो जाए। जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे, हाथी भाई के घर आए सीक्रेट गिफ्ट लेने। जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे। गुड इवनिंग हाथी फैमिली। गुड इवनिंग। अच्छा बेबी, ये वो स्पेशल लोग हैं जो हमारे गिफ्ट लेने आने वाले थे। अच्छा हाथी भाई, ये लीजिए चॉकलेट। अरे चॉकलेट। कोमल भाभी, ये आपके लिए। थैंक यू सांता। नहीं है। अरे गोली, ये तेरे लिए। चलिए अभी आप लोग आपके सीक्रेट गिफ्ट्स इसमें डाल दीजिए। अभी लेकर आते हैं जी। आप लोगों ने गिफ्ट के बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं नट्टू काका, किसी और का तो छोड़िए, इनफैक्ट हमने तो आपस में भी डिस्कस नहीं किया है। वेरी गुड हाथी भाई, इसका मतलब ये कि किसी को नहीं पता है कि इसके अंदर क्या गिफ्ट है और उसपे किसका नाम लिखा है, बराबर? नहीं, एक जन को पता है। किसे पता है? किसे? मुझे। मुझे तो पता है ना मैंने क्या गिफ्ट दिया है। एबी, I love your sense of humor. चलिए चलिए अभी आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए, हम लोग पार्टी में मिलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए नट्टू काका, अब चलते हैं मेहता साहब के घर। आप लोग भी नट्टू काका और बागा को देख के सरप्राइज हो गए ना? मैं भी सरप्राइज हो गया। जी हाँ, चलिए कम से कम एक सरप्राइज पे से तो पर्दा उड़ गया कि नट्टू काका और बागा ही वो दो लोग हैं जो सीक्रेट गिफ्ट कलेक्ट करने आने वाले हैं।
भाई बहुत सर खपाने के बाद सबने अपनी अपनी गिफ्ट खरीद ली। अब देखना यह है कि किसकी गिफ्ट सामने वाले के चेहरे पे खुशी लाती है और किसकी गिफ्ट सोसाइटी फंड की शोभा बढ़ाती है। ये कहने का मतलब है कि इसे 5,000 का फाइन भरना पड़ेगा। खैर ये तो पार्टी में ही पता चलेगा। पार्टी से याद आया कि कल 31 दिसंबर है, यानी कि साल का आखिरी दिन और आखिरी रात। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नया साल आपके लिए शुभकारी हो, लाभकारी हो और जीवन की राहें फूलों की क्यारी हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब ये न्यू ईयर पार्टी कौन सा नया हंगामा लाती है, किसे अपनी गिफ्ट पसंद आती है और कौन अपनी गिफ्ट से नाखुश होता है और किसे 5,000 का फाइन भरना पड़ता है। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सीक्रेट गिफ्ट गेम के लिए हमने एक स्पेशल एंकर को बुलाया है। एंकर? अरे वाह, कौन है वो स्पेशल एक्टर? एक्टर नहीं जेठालाल, एंकर, जो स्टेज पे खड़ा रहता है, जो माइक पकड़ के शो का संचालन करता है। नहीं नहीं, वो एंकर क्या करता है पता है मुझे? इतने साल से हमारे सोसाइटी में इतने सारे प्रोग्राम हुए तो वो क्या मुझे वो एंकर की जगह एक्टर सुनाई दिया, इसलिए मैंने बोला। ओके ओके। वैसे कौन है, कौन ये एंकर? वो देखिए